बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे जायके में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सेवइयों की रेसिपी, जिसे शीर खुरमा बनते हैं बोलते हैं। तो हम शीर खुरमा बनाएंगे। ईद नज़दीक आ रही है तो जाहिर सी बात है घर घर सेवइयाँ बननी हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। हमने खजूर को पानी में भिगो दिया था 1 घंटे पहले। अब खजूर ये भीग गई, आप 1-2 घंटे पे डाल दीजिए पानी में, भीग जाए फिर इन्हें कट कर लीजिए। खजूर को बारीक बारीक महीन जूलियन कट कर लिया हमने, आपका जैसा भी मन हो आप इस तरह से कट कर लें इसको। तो हमने ये खजूर को काट लिए। अभी ये हमने खजूर काट लिए और ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कुछ नट, ये हमने काजू बादाम और हरी इलायची ली है ये ग्रीन वाली, और चीनी 200 ग्राम है, सेवइयाँ हैं, और ये हमने घी लेना है जो इसमें लगेगा। अभी हमने पैन में घी डाल देना है। हमने 1 चम्मच घी डाल दिया इसमें। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट करके रखे थे वो हमने इसमें डाल दिया है। इसे हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। नारियल है, काजू है, बादाम है, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट शामिल कर लें। ये देखिए खजूर भी इसमें डाल दिया हमने। जब इसमें से थोड़ा सा महक आने लग जाएगी खुशबू, बस 4-5 मिनट हम इसे सौटे करेंगे, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। देखिए सेम पैन में फिर से हमने घी डाल दिया 1 चम्मच, थोड़ा सा और हमने डाल दिया है। अब इसमें हम अपनी सेवइयों को भूनेंगे। ये जब कि हरी इलायची हमने डाल दिया घी में। तीन हरी इलायची हमने डाल दी और ये सेवइयाँ डाल दी। सेवइयाँ हमारी वजन में 150 ग्राम के करीब हैं, तो अब इनको थोड़ा हम रोस्ट कर लेंगे घी में। घी में रोस्ट करने से इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और हमारी सेवइयों का जायका भी बहुत ही बढ़ता है। तो आप मार्केट से सेवई लें ये भुनी हुई, लेकिन उनको फिर भी आप घी में रोस्ट करके जब बनाएंगे तो आपकी सेवइयाँ बहुत ही लाजवाब बनेंगी। चार पाँच मिनट इसको हम सेवइयों को घी में भून लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए इतना सुर्ख हो गया इसका कलर। ये सेवइयाँ हमारी भुन गई हैं, बस इतना ही हमें चाहिए। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब देखिए हमने इसी पैन में दूध डाल दिया। दूध ये 1.5 लीटर दूध हमने लिया हुआ है। आप सेवई ले रहे हैं 150 ग्राम 100-150-200 ग्राम, अगर आपकी सेवई है तो 1.5 लीटर दूध लीजिए। और दूध को हम पकने के लिए रख देंगे। दूध में उबाल आ गया है, इसमें हमने चीनी भी शामिल कर दी। 200 ग्राम हमने चीनी ली थी। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने थोड़ा सा येलो कलर शामिल कर दिया है, ये पाउडर कलर आता है जिसे मखनी रंग बोलते हैं। 1 पिंच हमने इसमें शामिल कर दिया जिससे हमारी सेवइयों का कलर बहुत अच्छा सा आएगा। अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स जो है रोस्ट करके रखे थे वो हमने इसमें शामिल कर दिए। अब इसको पकने देंगे, दूध को उबाल आने देंगे थोड़ा सा। जब दूध उबलते हुए गाढ़ा होगा, ये हमने इसमें खोया डाल दिया है, ये मावा था हमारे पास तो इसमें मावा भी जाएगा, हमने इसमें मावा डाल दिया है। अगर आप मावा है तो डाल दीजिए, क्योंकि मावा डालना जो है बहुत अच्छा आपकी सेवई बनेगी। मावा डालने से सेवई का जो है बहुत ही अच्छा जायका आएगा। अब ये मावा डालने के बाद जो है उबाल आया, फिर हमने इसमें सेवइयाँ डाल दी, जो हमने सेवई भून के रखी थी वो डाल दिया। अब इसको सिर्फ 1 उबाल हम लेंगे। इसको लिड लगा के रख देंगे हम।
और एक उबाल इसमें लेंगे, सिर्फ एक उबाल आने तक के हम इसे, ये देखिए एक उबाल आ गया है, अब हम इसको उतार लेंगे फ्लेम से। ये हमारी शीरकुरमा बनके तैयार हो गया सिमई। इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल करेंगे, आपके पास केवड़ा वाटर, गुलाब जल जो भी है वो डाल दीजिए। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एक बाउल में निकाल लें, आपको जिसमें भी निकालना है। देखिए आप सिवैयों का कलर देख लें, कितना अच्छा सा ये कलर है सिवैयों का, और खाने में भी बहुत लाजवाब ये सिवैयी लगती है। अगर आपके पास खोया है तो खोया डाल दें, खोया डालने से भी इसका जो है बहुत ही अच्छा जायका आता है, सिवैयाँ बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप खोया स्किप भी कर सकते हो। ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल करके इसे हम गार्निश कर देंगे, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है। तो ये हमारे शीरकुरमा सिवैयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। अभी तक कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट मिलेगी। लाइक और शेयर कीजिएगा।